हाय फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि पैसा जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए? क्या आपको लगता है कि हाई रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो हमें कुछ करोड़ रुपए चाहिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपका ये मिथ ब्रेक करने वाला हूं। डू यू नो इवन एज अ स्टूडेंट यू कैन इजिली अर्न 15% पर एनम। 15% मींस हमारी कंट्री में जितनी इन्फ्लेशन है आप उसको आराम से बीट कर सकते हैं। तकरीबन 6.5 से 7% के आसपास की हमारी कंट्री की इन्फ्लेशन और 15% का रिटर्न। इसका मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप बहुत ही कम एफर्ट करके अगर 15% रिटर्न जनरेट कर लेते हैं, इसका मतलब आप जिंदगी भर इन्फ्लेशन को कंसिस्टेंट लेवल पे बीट कर पा रहे हैं। तो क्या आप 15% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं? मेरा आंसर है हाँ। और इससे भी बढ़िया, आप बिना किसी ज्यादा एफर्ट के, बिना किसी ज्यादा स्टडी के, सिर्फ अपने आंख नाक कान खुले रख के भी आप ये सारे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। डू यू वांट टू नो हाउ? लेट मी टेल यू। आप अपने आप से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछिए कि आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे एसी लगता है तो कौन कौन सी कंपनी का हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एलजी इंडिया की नहीं है, सैमसंग इंडिया की नहीं है, वोल्टास इंडिया की है, और वोल्टास इंडिया में बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अगर आपको रात को भूख लगती है तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको सबसे पहले ध्यान आता है? आई थिंक मैगी। किसका प्रोडक्ट है? नेस्ले। अगर आप अपने घर पे पेंट कराएंगे तो सबसे पहला पेंट कौन सा आपके माइंड में आता है? एशियन पेंट्स। अगर आप प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं, या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके देश की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप अपना घर बनवाते हैं उसमें सीमेंट यूज करते हैं, ACC, अंबुजा, ये सारे कौन से ग्रुप के हैं? अडानी ग्रुप के। कौन सा बैंक ऐसा है जो पैन इंडिया हर मोहल्ले या हर गांव हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवेलेबल है? आई थिंक SBI और PNB बैंक। और या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो कौन से बैंक की ब्रांचेस आपको सबसे ज्यादा दिखती हैं? ICICI बैंक, HDFC बैंक, एटसेट्रा। दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिकमेंडेशन फ्रेंड्स, दीज आर जस्ट द आइडियाज विच आई एम गिविंग यू कि अगर आप किसी एक सेक्टर में कोई एक प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप दवाइयां खाते हैं तो शायद वो सिप्ला की होती होगी, सनफार्मा की होती होगी, डॉक्टर रेड्डी की होती होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ सिट्रिजिन का नाम पढ़ते हैं, हम सिर्फ क्रॉसिंग का नाम पढ़ते हैं, हम ये नहीं देखते कि कौन सी कंपनी इसकी दवाइयां बना रही है। अगर हम सिर्फ इतनी सी बात पर ध्यान देना शुरू कर दें कि जो प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज कौन सी हैं? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप सिर्फ ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करके आराम से 15% से ऊपर का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपको थोड़ा सा एक ध्यान देने की जरूरत यह है। बाय द वे, बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू, अगर आपने इंडिया की सबसे बड़ी 30 कंपनीज में पिछले 20 साल से लगातार इन्वेस्ट किया होता तो भी आपको आराम से 12 से 13% का रिटर्न मिल गया होता। अगर आपने ये 30 से बढ़कर आगे 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो भी आपको आराम से 11 से 12% के आसपास का रिटर्न मिल गया होता, लेकिन मैंने बोला 15%। यहां पर आपको सिर्फ एक बात ध्यान देने वाली है, आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट को ब्रॉडली सरसरी तौर पर देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रही है चुपचाप बैठे रहिए, लेकिन कभी आपको सुनने में आता है कि मार्केट्स नीचे गई हैं, और ये आपको इसके लिए रोज मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अखबार पढ़ रहे हैं और वहां पर बाई चांस आपको न्यूज दिखती है कि मार्केट्स कुछ दिनों से नीचे जा रही हैं, यहां पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दीजिए। और हम स्टूडेंट्स के पास कुछ पैसे तो रखे होते हैं, हम स्टूडेंट्स को अपनी चाची से, मामी से, नानी जी से, पापा से, मम्मी से कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मिलती रहती है, और आज स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, वो कुछ ना कुछ खुद भी कमा रहे होते हैं। आप अपने इस पैसे को पिगी बैंक में आइडल मत रहने दीजिए, आप इनके थ्रू अच्छी कंपनीज के शेयर परचेस करना शुरू कर दीजिए। लेट मी टेल यू, एक अच्छी कंपनी का शेयर 20 रुपए का भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी अच्छी है तो शेयर प्राइस बहुत महंगा ही होगा। आपके पास अगर 500 रुपए भी है, आपके पास अगर 100 रुपए भी है, तो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन बाय शेयर विद द प्राइस ऑफ एज लो एज अ फ्यू पैसा टू एज हाई एज फ्यू लाख रुपीस। बस सिर्फ यहां पर थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है कि आपको कौन सी टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, और उसके लिए भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अगली बार यह देखना शुरू कर दीजिए कि आप जो दवाई की स्ट्रिप एक मेडिकल शॉप से लेकर आ रहे हैं उसकी कंपनी का नाम क्या है। आपने कोई पेंट खरीदा या फिर आपने कोई और मार्केट से प्रोडक्ट खरीदा, आपने टॉय खरीदा, पलट के देखिए कौन सी कंपनी इन चीजों को बना रही है। इवन स्टेशनरी आइटम की कंपनीज भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एंड यू कैन इन्वेस्ट विद एज लो एज अ फ्यू टेंस ऑफ रुपीज टू एज हाई एज अ फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज।
तो अपने पैसे को पिगी बैंक में आइडल मत रहने दीजिए, इसको स्टॉक मार्केट चैनल के थ्रू यहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज द सूनर यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग द बेटर इट विल बी फॉर योर रिटायरमेंट।